क्या आपने कभी प्रेशर कुकर को समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वो कार्य करता है? जब आप प्रेशर कुकर में कुछ दाल या अन्य चीज उबालते हैं, तब क्या होता है? कभी इस पर ध्यान दिया? नीचे से आग जल रही होती है और उसके अंदर गैस सघन हो रही होती है। दबाव बढ़ रहा होता है, तनाव बढ़ रहा होता है, किंतु फिर भी वो फटता क्यों नहीं? क्योंकि उसमें एक सीटी लगी होती है जो कि चालू हो जाती है जब उसमें एक सीमा से अधिक गैस एकत्रित हो जाती है। जब दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है ताकि कुकर फटे नहीं, क्योंकि फट गया अगर तो उसके अंदर जो कुछ है वो आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। किंतु हवा निकलने से हुआ क्या? हवा निकलने से कुकर पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, उसके अंदर जो गैस थी वो पूरी तरह बाहर नहीं निकली, बस उतनी गैस बाहर निकल गई जो एक सीमा से अधिक हो रही थी, ताकि दबाव थोड़ा सा कम हो जाए, तनाव थोड़ा सा कम हो जाए। इस कारण कुकर उस दबाव से, उस तनाव से, उस आग से, उस जलन से, उस पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ, किंतु फिर भी उसे थोड़ी राहत जरूर मिल गई और वो फटा भी नहीं। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? यही जिंदगी है मनुष्य की। आज इंसान की जिंदगी का भी यही हाल है, प्रेशर कुकर की तरह। इंसान आज अपने जिंदगी में तनावपूर्ण है, दबाव झेल रहा है और बहुत अधिक झेल रहा है, किंतु जैसे ही दबाव एक सीमा से अधिक होने वाला होता है, जहां से हो सकता है कोई क्रांति शुरू हो जाए, कोई बदलाव शुरू हो जाए, तो जैसे ही ऐसा कुछ होने वाला होता है, तब तक उसे किसी ना किसी तरह की राहत दे दी जाती है, तो वो क्रांति, वो बदलाव होने से रुक जाता है। कैसे? समझते हैं, एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य की जिंदगी भी इस प्रेशर कुकर की तरह हो गई है, जहां दबाव भी है, तनाव भी है, किंतु पूर्ण मुक्ति उसे नहीं मिल पा रही है। क्या कोई ऐसी स्त्री है जो कोई से अर्थ है? क्या स्त्रियों की हालत ऐसी है कि वो तनाव मुक्त हैं? उनका शोषण होता है, उनके साथ क्रूरता होती है, उनके साथ अभद्रता होती है, पढ़ाई में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनका विवाह हो जाता है, उनके ऊपर माता पिता पति भाई सब चढ़ बैठते हैं, दबाव बनाते हैं। क्यों? परंपराओं के नाम पर, धारणाओं के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, तुम्हारे धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडों के कारण, तुम्हारी सरकारों, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब के कारण बुरा हाल है ना उनका। इसी तरह से आदमी का भी बुरा हाल है, वो भी परेशान है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वहां पर उसका बॉस उसे खाए जा रहा है, बिल्कुल निगाहें गड़ा कर रखता है उस पर। तो आदमी हो या औरत हो, सबके सब समाज के कुचक्र में फंसे हुए हैं। कोई अपने काम से परेशान है, तो कोई अपने रिश्तों से परेशान है, और उस परेशानी में होने के बावजूद भी उससे बाहर इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि समाज में व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनी है कि उसे उन सब की परवाह करनी पड़ती है, उन सब की ओर देखकर निर्णय लेना पड़ता है, तो वो निर्णय ले नहीं पाता, इसी कारण तनाव से मुक्त नहीं हो पाता। बच्चों का मन नहीं होता है जो उनको पढ़ाया जाता है वो पढ़ने का, किंतु चूंकि माता पिता दबाव बनाते हैं, जबरन भेजते हैं, शिक्षक भी उनको बस रटाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं। शिक्षकों को कुछ नहीं आता, फिर भी कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। बहुत कम होंगे जिनको वास्तव में जो शिक्षक कहलाने लायक हैं, बाकी अधिकांश तो ऐसे ही हैं जो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, बस यूं ही चले गए पढ़ाने, और ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों की हालत भी खराब है, जिसे आप देश का भविष्य कहते हैं, आने वाले कल का सितारा जिसे आप कहते हैं, उनकी हालत खराब है। उनको अभी ये पता नहीं है कि उनको करना क्या है। तो पूरी तरह से आप देखेंगे कि समाज का आम आदमी परेशान है, तनाव में है, दबाव में है,
क्यों? यही सब व्यवस्था के कारण, सरकार के कारण कोई परेशान है, कोई धर्म के नाम पर चल रहा है, पाखंडों के कारण परेशान है, कोई अपनी नौकरी के कारण परेशान है, कोई बिजनेस के कारण परेशान है, कोई अपने रिश्तों के कारण परेशान है। किंतु परेशान हर व्यक्ति है और उसके बाद भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि व्यवस्था ही कुछ इस तरह की हमने बना रखी है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ, इस पाखंड के खिलाफ, इन कुरीतियों के खिलाफ, उसमें जैसे ही विद्रोह की आग उठने वाली होती है, जैसे ही कुछ क्रांति, कुछ बदलाव की घटना घटने वाली होती है, उसी क्षण त्यों ही उसे थोड़ी राहत दे दी जाती है। किसके द्वारा? उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने ये व्यवस्था रची है। और जो क्रांति होने वाली थी, वो होते होते फिर से रुक जाती है। कैसे रुकती है वो हम समझेंगे, तो आपको बात और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब उद्देश्य यहाँ पर किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, बात को ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, बस बात को समझे कि कहा क्या जा रहा है, उसको देखें कि क्या ऐसा है, उसमें कुछ सही गलत का निर्णय ना करें, कुछ अच्छा बुरा का निर्णय ना करें, बस बात को समझने का प्रयास करें। तो मान लीजिए पति ने पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और किस तरह से पति बर्बाद करके रखता है जिंदगी पत्नी की, और तो ये बात पति को पता है और पत्नी को भी, या कम से कम जिनकी जिंदगी बर्बाद है अपने पति के कारण, उन महिलाओं को तो पता ही है। तो जिन महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो रखी है अपने पति के कारण, और जब जिंदगी इतनी तनावपूर्ण हो जाती है, इतनी वो परेशान हो जाती है, इतना दबाव हो जाता है, इतनी सीमाएं, इतने बंधन उन पर थोप दिए जाते हैं कि वो मुक्त होने ही वाली होती हैं, विद्रोह करने ही वाली होती हैं, कहने ही वाली होती हैं कि जा निकल, तुझसे कोई संबंध नहीं अब। उसी क्षण जैसे ही वो अंतिम निर्णय लेने वाली होती है, तब ही पति उसे गहने ला देता है, पति उसे महंगी साड़ियां ला देता है, पति की सैलरी आ जाती है तो पत्नी को पैसे थमा देता है, लो भाई शॉपिंग करो, मौज मनाओ, मेकअप करवाओ, अलंकृत हो जाओ, सजो धजो, लो हो गई तुम्हारी क्रांति। यही होता है ना, तुम्हें पति से सुरक्षा मिलती है, पैसे मिलते हैं, सहायता मिलती है, मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है, और गहने वगैरह सब मिलते हैं, तो ये जो विद्रोह उनके उसके खिलाफ होने वाला था वो वहीं पर रुक जाता है। इस तरह से तुम प्रेशर कुकर की तरह, जैसे ही तुम्हारा तनाव, तुम्हारा दबाव, प्रेशर बढ़ रहा होता है और एक सीमा को क्रॉस कर रहा होता है जहां से क्रांति हो सकती है, वहीं पर हवा निकल जाती है फुस करके, और कुछ समय की मौज के कारण आप आगे कुछ नहीं कर पाते, वापस वही बर्बाद जिंदगी जीते हैं। अब ऐसा ना हो कि पतिदेव को बुरा लग जाए, तो जरा इनकी तरफ से बात करते हैं। तो ऐसा ही नहीं है बस कि पत्नियां ही परेशान है पति के कारण, ऐसा भी है कि पतिदेव भी परेशान है पत्नी के कारण, बिल्कुल जान खाए रखी है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा वैसा, फलाना ढिमका, और पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है पतिदेव की। और पतिदेव जैसे ही मुक्त होने वाले थे पत्नी से, उसी समय पत्नी जी वही साड़ियां पहनकर जो इन्होंने अभी दिलाई थी महंगी वाली, वही गहने पहनकर और उन्हीं पैसों से मेकअप करवा के बिल्कुल सज धज कर अलंकृत होकर इनके सामने पधार जाती हैं, अप्सरा की तरह बनकर, और पतिदेव के मुंह से लार टपकने लग जाती हैं। तो ये पतिदेव जो अभी तलाक देने वाले थे, जो अभी पत्नी से हिसाब किताब बराबर करने वाले थे, ये फिर रुक जाते हैं। क्यों? क्षण भर के शारीरिक सुख के लिए। वही व्यक्ति है, वही सब कुछ है जो कल तक था, थोड़ी देर पहले तक था, किंतु अब वो सज धज कर सामने आ गया है। तो ये जो मुक्ति मिलने वाली थी जीवन की समस्या से, जीवन के तनाव से और बंधन से, बोझ से, दबाव से, वो मुक्ति मिलते मिलते वापस रुक जाती है, विद्रोह नहीं हो पाता है। अब इसको, इस बात को किसी एक व्यक्ति विशेष पर मत रखना, ये पूरे समाज की है। समाज की जो झूठी और क्रूर परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, उन सब के खिलाफ भी जब विद्रोह होने वाला होता है, जब क्रांति होने वाली होती है, तो इसी तरह से हमारे सामने कुछ ना कुछ
पटक दिया जाता है, जैसे कुत्ते के सामने बिस्किट पटक दिया जाए तो पूंछ हिलाने लगता है, हमारे साथ भी वैसा ही होता है और हम उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर पाते। थोड़ा और समझते हैं। अब मान लो कि तुम नौकरी करने वाले हो और चंद पैसों के लिए तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया है, छोड़ता ही नहीं है? संडे हो या मंडे रोज बुलाता है, नहीं तो पड़ते हैं डंडे, बिल्कुल सिर पर चढ़े आता है, दिमाग खराब करके रखा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसने कुछ पैसे के बदले, और तुम हो गए परेशान। आज तुम निर्णय करके गए ही थे कि आज तो ये जॉब जो है इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, खुद से शुरू करूंगा, छोटा मोटा काम करूंगा, कम पैसों में खर्च चला लूंगा, किंतु ये जो घटिया जॉब है जिसके कारण मैं रोज मरता हूँ, रोज घुटता हूँ, रोज तड़पता हूँ, रोज मुझे नशा करना पड़ता है, जिसके कारण रोज इस गलत काम के कारण मुझे घर पर भी लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं क्योंकि दिमाग खराब रहता है, आज तो इस जॉब को छोड़कर रहूंगा। फिर क्या होता है, जैसे ही जाते हो तुम्हें सैलरी थमा दी जाती है। अरे आज तो पैसा आ गया, माला माल हो गया, तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हें क्रांति करनी थी, तुम्हें विद्रोह करना था, तुम्हें मुक्त होना था उस बंधन से, अब तुम्हें नोट मिल गया। तुम्हारे मन में फिर लालच उठा के अगर छोड़ दिया तो भाई ये जो गड्डियां आ रही ये कहां से आएंगी, या फिर सैलरी नहीं मिलती है तो जैसे ही तुम्हारा दबाव बढ़ने लगता है, तुम परेशान होने वाले होते हो, तुम्हारा थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया जाता है कि लो भाई पदोन्नति हो गई अब तो तुम्हारी, भूल जाओ जो हुआ अभी तक, अब तुम बड़े हो गए, अफसर हो गए तुम। लो जो विद्रोह अभी तुम करने वाले थे सब फुस निकल गई हवा, यही होता है ना। और ये भी नहीं होता है तो तुम्हें दो चार दिन की कहीं पर ट्रिप पर भेज दिया जाता, यात्रा करने भेज दिया जाता कि जाओ मुफ्त में कंपनी की तरफ से जाओ भाई, दो चार दिन तुम्हें राहत दे दी उन्होंने और तुम बिल्कुल वहां से, वो रहता ना जैसे पेन किलर, राहत मिल गई ताकि काम कर सको, इसी तरह तुम्हें थोड़ी देर की राहत दे दी कि दो चार दिन तुम कंपनी की तरफ से घूम के आ जाओ और बिल्कुल तुम फ्रेश होकर आए, अब 4-6 महीने तो काम करोगे इसे, इतना तो फ्रेश हो ही गए हो। तो इस तरह से जो तुम विद्रोह किसके खिलाफ करने वाले थे, उस गलत व्यवस्था के कारण जिसके कारण तुम बर्बाद होते हो, टेंशन लेते हो, तनाव में रहते हो, दबाव में रहते हो, तो उस व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह तुम कर सकते थे, तुमसे मतलब है ये सारी ये जो जवान पीढ़ी बर्बाद कर रही है अपनी जिंदगी को, ये जो विद्रोह कर सकती थी उस व्यवस्था के खिलाफ, यही विद्यार्थियों के साथ है, यही महिलाओं के साथ है, यही काम करने वालों के साथ है, यही पूरे समाज के साथ है, यही पूरे जवानों के साथ है, यही सारे लड़कियों के साथ है, सबके साथ ये है। और ये समाज की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, देश की, धर्म के नाम पर पाखंडों की, इन सब की व्यवस्था के कारण ये सारी समस्या है, और इसके खिलाफ तुम विद्रोह नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये समाज तुम्हें बीच बीच में चटनी चटाता रहता है और तुम चाट भी लेते हो और विद्रोह करने से रुक जाते हो। और हमारी जिंदगी बहुत बर्बाद तो रहती है इन सब के बावजूद भी, ऐसा भी नहीं कि चलो ये सब मिल गया तो पूरी तरह से मुक्त हो गए दबाव से, तनाव से। कहा था ना कि हवा तो गैस तो बच ही जाती है कुकर में, इसी तरह हम परेशान तो रहते ही हैं। तो फिर क्या होता है, बीच बीच में हमारे देश में क्या इतने सारे त्योहार आते हैं ना, वो किस काम के, वो इसीलिए आते हैं, उनका जो मूल अर्थ है उस सबसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हम जानते ही नहीं है। समाज में जिस तरह से त्योहारों को मनाया जाता है वो बिल्कुल दो कोड़ी का घटिया होता है, उनको कुछ नहीं पता कि त्योहार क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, उस सब के महत्व से तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। लेकिन इन त्योहारों से उन व्यापारियों की कंपनियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल जाता है, तुम उनके सेल करवा देते हो, साथ ही त्योहार के नाम पर तुम्हें मौज मस्ती करने का मौका मिल जाता है, तो तुम फिर से क्या कर लेते हो, तुम्हारी फिर से हवा निकल जाती है, फिर से थोड़ी देर राहत पा जाते हो। इससे क्या होता है, वापस तुम उसी जिंदगी को स्वीकार कर लेते हो जिसमें जी रहे थे अभी तक, क्योंकि अभी तुम उस दर्द को भूल गए, उस पीड़ा को भूल गए जो आज तक तुम्हें मिली थी, और अब तुम फिर से फ्रेश हो गए वापस दबाव को झेलने के लिए। ये इसी तरह है कि जैसे कुकर में हवा भरती है, गैस भराती है, और जैसे ही ज्यादा होती है तो कभी त्योहार के नाम पर वो फुस कर जाती है, कभी सैलरी मिल जाती है तो निकल जाती है, कभी सेक्स मिल जाता है तो निकल जाती है, कभी गहने कभी पैसे मिल जाते हैं
तो वो हवा निकल जाती है। तो इस तरह से तुम्हारी हवा निकलती रहती है, और उस दो कौली की घटिया व्यवस्था के खिलाफ हम कभी विद्रोह नहीं कर पाते, उसमें पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, और ऐसे ही करके जिंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। इसी तरह से हमारे नेता लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके कारण अभी तक किसी की जिंदगी नहीं सुधरी है। कितने वादे करते हैं वो, पर वो क्या करते हैं, बीच बीच में आकर तुमसे वादे करते रहते हैं, और तुम्हें फिर आस बंध जाती है कि हाँ भाई अब तो करेगा, नहीं उसने नहीं किया ये वाला करेगा, करेगा कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, पर तुम्हें एक उम्मीद दे दी जाती है कि हाँ ये आया है, ये वाला जरूर करेगा। हाँ अभी नहीं हुआ ना, 1 साल हो गया, अरे टाइम लगता है भैया, इतना बड़ा देश है, ऐसे कर करके निकलते रहते हैं साल, और तुम इंतजार करते रहते हो, बूढ़े हो जाते हो, अब कहाँ ताकत बची विद्रोह करने की, जब समझ आया तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। एक बहुत ही बड़ी और सुंदर जिंदगी हम जी सकते थे, लेकिन उस व्यवस्था में हमें लालच ही इतना है, हमें सुरक्षा मिल जाती है, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है चाटने को, तो हम वहां से निकल ही नहीं पाते हैं, इसलिए विद्रोह नहीं हो पाता, और हम ठहरे स्वार्थी आदमी, हम सिर्फ अपना सोचते हैं कि भाई मुझे तो मिल गया ना, दूसरों को मिला या ना मिला उससे मुझे क्या। ऐसे है ना, संसार के कल्याण से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब रहता है, तो हम क्या करते हैं, बस अपना देख लेते कि हाँ मुझे राहत मिली ना, थोड़ी देर मिली पर मिली ना, ठीक है। इस तरह से हम सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते हैं, पर अपना स्वार्थ भी हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हम पेन किलर की गोली खा लेते हैं, थोड़ी देर राहत ले लेते हैं। तो अब तुम एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारे पास त्योहार हैं साल भर में आते हैं, जिनमें तुम कूद फांद कर लेते हो, ये सब अगर तुमसे छीन लिए जाएं, ये जो तुम्हें अपने काम के बदले सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, अगर वो तुमसे छीन लिया जाए, ये जो पत्नी से तुम्हें सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, और या अन्य तरह का जो मिलता है सहायता, वो अगर उससे मिलनी बंद हो जाए, क्या तब भी तुम उसके साथ रहोगे, क्या तब भी तुम वही काम करोगे? पति अगर तुम्हें गहने पैसे वगैरह देना बंद कर दे, क्या तब भी तुम उससे प्रेम करोगे? और ये जो त्योहारों के नाम पर तुम्हारी हवा निकल जाती है, थोड़ी देर कूद फांद कर लेते हो उसमें, और वापस वही सब जिंदगी जीने लग जाते हो जो आज तक जी रहे थे, जैसे अभी तक जी रहे थे, जिसके कारण परेशान थे, क्या वही जिंदगी तुम जी पाओगे? क्या तब भी ऐसा हो पाएगा जैसा अभी हो रहा है? क्या वही काम करोगे? क्या उन्हीं लोगों के साथ जिंदगी बिताओगे? क्या वही तुम्हारी संगत संगत रहेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फिर कुकर की सीटी पर तुमने बड़ा सा ढक्कन लगा दिया, उसके छेद को तुमने बंद कर दिया है। अब क्या होगा? अब वो गैस उसमें घुंडाती जाएगी, घुंडाती जाएगी, वो गैस और ज्यादा दबाव बनाएगी, और ज्यादा प्रेशर बनाएगी, तनाव बढ़ेगा, और भम से फूट जाएगा प्रेशर कुकर, और उसके अंदर जो दबाव था पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, और ये जो प्रेशर कुकर के चारों तरफ ये जो दीवार थी प्रेशर कुकर के रूप में, ये सब माने ये जो व्यवस्था बनी हुई थी, वो सब टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, मिट जाएगी। तो इसी तरह अगर तुम्हारी जिंदगी से ये सब कुछ छीन लिया जाए जो तुम्हारी हवा निकाल देते हैं, तो तुम भी फिर उसी तरह से विद्रोह करोगे। पर अगर ये बात तुम अच्छे से समझ लो, तो तुम अभी विद्रोह कर सकते हो, अपनी जिंदगी में एक रूपांतरण ला सकते हो। तुम ये देख सकते हो कि किस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और किस तरह से मैं उस बर्बादी से बाहर आ सकता हूँ। जिंदगी अच्छी कैसी होगी वो नहीं पता, किंतु हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी गलत कैसे है, तो वो गलती को हम सुधारेंगे। जहां पर गलत है, जहां पर गंदगी है, हम उस गंदगी को हटाएंगे। गंदगी को अगर हटा दिया तो सफाई अपने आप आ जाएगी। अगर गलत जिंदगी को ठीक कर दिया, गलत जिंदगी जो है उसे गलत जीना बंद कर दिया, तो जिंदगी सही अपने आप हो जाएगी। फिर तुम वो दबाव नहीं झेलोगे, झेल ही नहीं पाओगे चाह कर भी, क्योंकि फिर तो बस विद्रोह होगा, बेड़ियों के खिलाफ विद्रोह होगा, बंधनों के खिलाफ विद्रोह होगा, और ये जो सारी व्यवस्था बनी हुई है जिसके कारण हर इंसान परेशान है, वो सब चकनाचूर हो जाएंगी। फिर तो बस क्रांति की आग जलेगी, और वो आग कुछ ऐसी होगी कि
कि उस सब को जलाकर भस्म कर देगी जो व्यर्थ है, जो दुख है, जो पीड़ा का कारण है, जिसके कारण शोषण होता है, अत्याचार होता है, क्रूरता होती है, जिसके कारण समाज में भेदभाव है, जिसके कारण कुछ लोग बिल्कुल आसमान की चोटी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों में मर रहे हैं। ये सब बदल कर ठीक हो जाएगा, किंतु उसके लिए चाहिए तुम में अपनी जिंदगी के प्रति एक सजगता, एक समझ। तुम्हें चाहिए आत्मज्ञान, अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, कैसे जी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किन लोगों के साथ जी रहे हो, किन की संगत कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किसको अपनी जिंदगी में स्थान दे दिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। जब इन सब पर ध्यान दोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे बंधन क्या है, तुम्हारी बेड़ियां क्या है और क्यों तुम उनसे अभी तक आजाद नहीं हो पाए हो। फिर तुम जानोगे कि जीवन इससे बेहतर हो सकता है, इससे सुंदर हो सकता है, किंतु वजह क्या है जो अभी तक मैं उस सौंदर्य से अछूता हूं, अनभिज्ञ हूं, दूर हूं। तो फिर तुम उन बेड़ियों को खोजोगे, उन बंधनों को खोजोगे, उस व्यवस्था को खोजोगे और उसे जलाकर भस्म कर दो। और ये शुरुआत तुमसे होगी, अपने आप से होगी, बदलाव की शुरुआत तुम्हारे अंदर से होगी, क्योंकि बीज पहला वहीं पर उगेगा। जब वो बीज तुम्हारे अंदर उग जाएगा तो वही बीज फिर अनेक बीजों को पैदा करेगा और वो बिखरते जाएंगे और समाज पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि समाज समाज के लोगों से मिलकर बनता है। समाज के लोगों में तुम भी एक हो और तुम ही से घर बनता है और घर से समाज बनता है और समाज से गांव, शहर और देश बनता है। ये पूरा संसार तुम ही में समाया हुआ है और बदलाव की शुरुआत भी तुम ही से होगी। तो देखो अपने जीवन को, पता करो अपनी कमजोरियां, अपनी पीड़ाएं, अपने बंधन और जलाओ उन्हें, गलाओ उन्हें, क्योंकि बंधन में जीने के लिए, कैद होकर जीने के लिए, छोटी जिंदगी जीने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। मुक्त जीना है तुम्हें, एक खुला जीवन जीना है, सुंदर जीवन जीना है, ऊंचा जीवन जीना है, बड़े काम करने हैं, महान काम करने हैं। उसके लिए तुम्हें स्वयं का रूपांतरण करना होगा, जैसे जी रहे हो उसे होश पूर्वक देखना होगा। केवल तभी तुम्हारी हवा निकलनी बंद होगी और क्रांति की आग जलेगी, जिसमें सारे दोष, सारी कमियां, बेड़ियां, बंधन सब जलकर भस्म हो जाएंगे।